कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं पनीर का सैंडविच। पनीर के सैंडविच के लिए मैंने 2 पीस पनीर के ले लिए हैं। तो नीचे मैंने ऑयल डाला था, गर्म करके मैंने पैन को, और इससे मैं डालूँगी मैगी मसाला दोनों साइड पे। कि हम साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी यही करेंगे, मसाला लगाएंगे। तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे मैगी मसाला। जो मैगी मसाला आता है, मैजिक मसाला, वही हम इस पर स्प्रिंकल कर रहे हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। अब इस साइड से तो हम पकने देते हैं थोड़ा। फ्रेंड्स, जब तक ये ग्रिल हो रहा है तब तक हम ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 4 स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के, और इस पे मैं लगा रही हूँ, मैंने घर पे मेयो बनाई है वाइट, तो ये मैं इस पे स्प्रेड कर रही हूँ। ये हेल्दी है बिल्कुल भी, इसमें कोई ज़्यादा फैटनिंग चीज़ नहीं है, ये मैंने घर पे बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। हम इसके चारों साइड पर यही लगा रहे हैं वाइट मेयो। मैंने घर में इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं, और इसके ऊपर अब मैं ये ग्रिल पनीर रखूंगी जो मैंने अभी ग्रिल किया है। इसको रख लेते हैं इस पर। अब मैं इस पर डाल रही हूँ अनियन। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, जैसे आप प्रेफर करें वैसे आप डाल लें। आप इसमें शिमला मिर्ची भी लगा सकते हैं, शिमला मिर्ची का टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने इसको डाल लिया, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, आप सिंपल हर्ब्स भी ले सकते हो। मैंने ये पिज्ज़ा वाला ऑरिगेनो लिया है, इसमें मैंने ये डाल लिया। और मैं इसमें डाल रही हूँ अब चिली फ्लेक्स थोड़े से, और अब हम इसके दूसरी साइड से इसको इस तरह से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें ऑलिव ऑयल लगा दिया, तो इसमें हम लगा लेंगे अपना ब्रेड सैंडविच इस तरह से, और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा लेते हैं, और इसको ग्रिल होने देते हैं जब तक ये ग्रीन ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन हो गया है, अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, बन हमारा बनके रेडी हो गया सैंडविच। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सैंडविच पनीर ग्रिल्ड सैंडविच बनके एकदम रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।